नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बताना चाहूंगा मदरबोर्ड के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी। दोस्तों सैमसंग के सेट में एक कॉमन प्रॉब्लम आता है रीस्टार्ट होने का। सेट आपका ऑन होगा, फिर रीस्टार्ट होगा, फिर ऑन होगा, फिर रीस्टार्ट होगा। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है सैमसंग के सेट में, और ज्यादातर इस से ये प्रॉब्लम जो है 40 इंच के सेट में ज्यादा आता है। 5500 मॉडल में 40, उसका मॉडल नंबर होता है 40D5500। तो 40D5500 में एक रीस्टार्ट की जो प्रॉब्लम है, कॉमन समस्या, उसका समाधान लेकर के आया हूं, और समाधान भी ऐसा कि आपको उसके प्रॉब्लम्स भी दिखाऊंगा, हमने क्या किया वो भी दिखाऊंगा, और फिर क्या रिजल्ट हमारे पक्ष में रहा या नहीं रहा ये देखेंगे। तो चलें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, देखें इस वीडियो में। जी दोस्तों देखें, ये सैमसंग का सेट है 40 इंच का, और इसमें प्रॉब्लम है रीस्टार्ट की। सेट चालू होता है और फिर बंद होता है, वापस चालू होता है, वापस बंद होता है। इस प्रॉब्लम को रीस्टार्ट प्रॉब्लम कहते हैं। जब भी आप पावर सप्लाई के साथ इसे कनेक्ट करेंगे तो ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। इसकी वजह क्या है देखें, ये जो फ्लैश आईसी है ये खराब है, अर्थात जो प्रोग्रामेबल फ्लैश आईसी ये आप देख रहे हैं ये खराब है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नैन फ्लैश आईसी से कहते हैं, इसमें बैड सेक्टर आ जाने की वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से ये रीस्टार्ट प्रॉब्लम आता है। और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि यदि ये आईसी आप निकाल देते हैं तो भी आपका सेट रीस्टार्ट होगा, अर्थात तब भी उसमें सैमसंग लिखा आएगा। फ्लैश आईसी फेल हो जाने के बाद यदि उस फ्लैश आईसी को निकाल देते हैं तो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम जो दिख रही थी वो भी कंटिन्यू चालू रहेगी। देखें मैंने यहाँ पे फ्लैश आईसी को निकाल दिया है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में, नैन फ्लैश कहते हैं इसे, और इसको मैंने निकाल दिया है। और इसको निकालने के बाद भी आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, डिस्प्ले में सैमसंग लिखा हुआ आएगा। मैंने देखें यहाँ बाहर कर दिया है फ्लैश आईसी को निकाल करके, और इसको बाहर करने के बाद पिक्चर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, शायद आप ऐसा सोचते होंगे, परंतु मैं बताना चाहूंगा कि ये आईसी निकालने के बाद भी डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं। देखें स्क्रीन में आपको यहां डिस्प्ले में सैमसंग स्मार्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हमने आईसी निकाल दिया है तो भी ये लिखा हुआ क्यों आता है। दरअसल में फ्लैश आईसी में जो हम प्रोग्राम डालते हैं, ओएस डालते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश आईसी में इंस्टॉल होता है, परंतु उसके जो बाय डिफॉल्ट थीम है वो मेन प्रोसेसर आईसी से निकलती है। तो देखें यहाँ फ्लैश आईसी निकालने के बाद भी आपको यहाँ सैमसंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। अब ये देखें नैन फ्लैश जो हमने बाजार से नवी लाई है, इसको हम उसमें इंस्टॉल करेंगे। आप देख पा रहे हैं बाजार से लाया हुआ ये फ्लैश आईसी, मैं इसको इस मदरबोर्ड में माउंट करूंगा। माउंट करने के बाद हम परिणाम देखेंगे कि परिणाम क्या होता है। दोनों आईसियां फ्लैश आईसी हैं, एक खराब है और एक नई है। खराब वाली आईसी को भी रीप्रोग्राम हम कर सकते हैं, परंतु अब रीप्रोग्राम के जिद्दोजहद से छुटकारा लेने के लिए हम डायरेक्ट नवी आईसी यहाँ माउंट करने का प्रयास कर रहे हैं, और दिखा रहा हूँ कि आईसी कैसे लगाते हैं। सबसे पहले ऐसे फ्लैश लगाएं आप, पेस्ट लगाने के बाद आईसी के टर्मिनल को सेट करें, और इस प्रकार ध्यान दें कि कोई भी एक भी लेग आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। आईसी बिछाने के बाद आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें उसे, कोई भी आईसी, कोई भी टर्मिनल आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। बड़े ही सावधानी वाला काम है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बड़े आसान तरीके से आप इसे माउंट कर सकते हैं। और देखें मैंने यहाँ नई आईसी माउंट कर दिया।
अब देखते वक्त हैं है रिजल्ट आगे। का, परिणाम का। क्या हमारे इस ऑपरेशन से हम सफलता हासिल कर पाए या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? आपने देखा कि मैंने इसमें से आईसी निकाल दिया। आपने ये भी देखा आईसी निकालने के बाद भी सेट में सैमसंग लिखा आता था और वो रीस्टार्ट होता था। अब हमने उस फ्लैश आईसी को बाजार से दूसरी लेकर के हमने डाल दिया जो लोडेड आईसी थी। और क्या सच में इसके बाद हमारा रिजल्ट हमारे पक्ष में रहा? क्या सच में ये सेट ओके हो गया? आइए चलते हैं परिणाम की तरफ, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। हम पावर सप्लाई लगाएंगे, साथ में हमने HDMI लगा के रखा है और देखते हैं परिणाम क्या कहता है। ये सेट ऑन किया, ओ माय गॉड, देखें ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने, ब्यूटीफुल रिजल्ट। जो सेट रीस्टार्ट हो रहा था अब वही सेट आपके सामने ब्यूटीफुल तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, कई लोग आईसी गलत डाल देते हैं, कई लोग सॉफ्टवेयर गलत डाल देते हैं, कई लोग रीसेट के ट्रांजिस्टर बिना जाने समझे निकाल देते हैं, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। तो दरअसल में अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो देखें रिजल्ट परिणाम आपके सामने है। आपने देखा कि हमने इसमें ये जो फ्लैश आईसी थी, ये फ्लैश आईसी हमने निकाला, ये फ्लैश आईसी हमने निकाल दिया और दूसरी बाजार से ला करके दूसरी जो फ्लैश आईसी हमने डाला वो देखें आपके सामने है। और ये फ्लैश आईसी डालने के बाद परिणाम भी आपके सामने है। मैं कहना चाहूंगा विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रतम, पात्रत्वात् धर्मापनोति, धनात् धर्म ततो सुखम। अर्थात ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है और वह धन हम परमार्थ के कार्य में खर्च करके सुख प्रदान करते हैं। नमस्कार।